हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा ब्यूटी एंड हेल्थ केयर। मैं आज का डोनट का यूज़ करना बताऊंगी कि डोनट का यूज़ कैसे करते हैं हेयर स्टाइल में। ये मेरा डोनट है, मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा था, मैंने बताया था कि डोनट है, इससे हमारे बाल में लगाने से बाल गजिंग दिखते हैं। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था इसका यूज़ बताइए, तो मैं आज इसको यूज़ बताऊँगी कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसको पोनी करेंगे बाल में। देखिए मैंने पोनी कर लिया है। मेरे पास दो डोनट हैं, एक छोटे हैं और एक बड़े हैं। मैं छोटे का यूज़ बताऊंगी और हेयर कट भी इसके छोटे हैं। इसको इसी के अंदर ऐसे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसे जूड़ा पिन से फिक्स कर दूंगी। बालों में से फैला लेंगे। फैलाने के बाद मैं रबड़ से इसको ऐसे कर दिया। देख रहे हैं आप, मैं सारे बालों को मैं कवर करूंगी। आप देख रहे हैं इजली इजी जुड़ा बन गया है। ये टाइम की बचत भी हो गई है और छोटे बाल में अच्छे से ये जुड़ा भी बन गया है। अगर फ्रेंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं इसे डेकोरेट कर दूंगी। ये चिपकाने वाला है, ये बेबी का है, बच्चों लोगों के लिए।
फ्रेंड हेयर स्टाइल अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए फ्रेंड। ये मेरा डोनट का यूज़ की अन्ना बताया है कि कैसे डोनट का यूज़ करते हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह आप भी अपने घर में इजीली हेयर स्टाइल बना सकते हैं डोनट के ज़रिए, और आपके जिनके बाल कम हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और लंबे बालों के लिए भी बहुत अच्छा ये हेयर स्टाइल है, बहुत जल्दी बनता है फ्रेंड। तो मेरा चैनल अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय।